आज गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है, एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को अदालत साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को, 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।